अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने जाना गए, कितने जना है ना जान की शहादत दी है, कितने बच्चे यतीम हुए। लेकिन कुछ ही दिनों के पहले एक मोहतरमा का बयान है कि हिंदुस्तान को आज़ादी भीख में मिली गई। हालांकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के इंडिया गेट में तुम्हें जाको देखे तो मुसलमान है के 61,935 नेम्स हैं, सिक्का के 8,050 नामा हैं, ओबीसी के 14,480 नामा हैं और दलित के 10,770 वसात नामा हैं और सवर्ना अपर कैस्ट के 598 नामा हैं। लेकिन ये मोहतरमा बोलती है कि आज़ादी है ना भीख में मिली, और जो असली आज़ादी है 2014 के बाद मिली है। ये मोहतरमा का बयान आप खुद देख सकते हैं। एंड दे पेड अ प्राइस, ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये मोहतरमा का बयान देने के बाद है ना ये मोहतरमा को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। और जब ये मोहतरमा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया तो है ना विरोध खुलकर हुआ कि इस मोहतरमा को है ना पद्मश्री अवार्ड वापस लो करको। गंगाराव से पद्मश्री अवार्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। गंगाराव से पद्मश्री अवार्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो बयान देने के बाद है ना कंगना रनौत का खुलकर है ना विरोध किया गया और पद्मश्री वापस लेने का भी है ना जनता की तरफ से विरोध आया। और ये सब हालत देखने के बाद, ये बयान करने के बाद कंगना रनौत की हालत मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। और सबसे गुजारिश है कि ये जो हमारा मुस्तकबिल चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हक की बात हर एक तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।